मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में इस बार अनाज की पैदावार अच्छी होने के कारण वेयरहाउस के गोदाम में अनाज भरने के लिए किसानों की कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में इस बार अनाज की पैदावार अच्छी होने के कारण वेयरहाउस में गोदाम में अनाज भरने के लिए किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज की इस बार किसानों के लिए अच्छी पैदावार होने पर किसानों द्वारा शासन के निर्देशानुसार वेयरहाउस में फसलें रखने के लिए 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कई प्रकार की परेशानियां भी किसानों के लिए खड़ी हो रही है। इसमें किसानों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बोरियों की मात्राएं कम होने के कारण हमारा नंबर 2-3 दिन में आ रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि सरसों की बोरी फटी हुई है, आने के कारण भर नहीं पा रहे। ऐसी कई समस्याओं को लेकर किसानों ने क्षेत्र विधायक देवीलाल ठाकड़ को अवगत कराया। विधायक द्वारा किसानों की बात सुनकर उनकी समस्या हल करने के लिए आश्वासन दिए गए एवं 2-3 दिन में समस्या हल होने का आश्वासन दिया गया। सर, आज आप भी यहाँ आए और जो किसानों को जो सरसों का जो बारदाना मिला है वो पूरा फटा हुआ मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? वास्तव में क्या है कि जो नीति बनाने वाले हैं ना, उन्होंने खेती करी नहीं है। और वो कहते हैं ना कि राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा है कि जो शिक्षा मंत्री वो बन जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता भी बन सकता है ना। तो ये सरसों का छोटा दाना रहता है परंतु बोरियां फटी हुई है। मैंने अभी डीएमओ साहब के नॉलेज में बात ध्यान में लाई कि सरसों का छोटा दाना रहता है इसलिए वो बोरियां फ्रेश होना चाहिए ताकि सरसों नीचे निकले नहीं, है ना। उन्होंने बताया चूँकि ये पहले ही खरीद रखी थी इसलिए यही भिजवाई है। तो मैंने कहा ठीक, जो फटी बोरियाँ हैं उनको अलग निकाल कर पंचनाम बना लें कितनी बोरियाँ फटी निकली, जो अच्छी बोरियाँ हैं उनमें ले लें या डबल कर लें ताकि कम से कम किसान की सरसों नीचे ना निकले और पूरी की पूरी सरसों तुल जाए। तो उनके ध्यान में लाया किसानों की समस्या 3-3 दिन तक उनकी सरसों यहाँ नहीं तुल पा रही। क्या कारण रहा है सर, मतलब जिसमें 3 दिन हो गए किसानों को अभी तक? हाँ, मुझे अभी जानकारी मिली है। वैसे तो क्या है, मैसेज जो है वो भोपाल से होते हैं। शुरू में क्या था कि मैसेज जितने होते थे उतने किसान आते नहीं थे और इसलिए बाद में कुछ मैसेज बढ़ा है। तो कुछ बड़े किसानों के मैसेज बढ़ा है जिनकी बड़ी मात्रा में जो फसल हुई या सरसों की हुई या गेहूँ की हुई, तो बड़ी फसल भी भगवान ने इस साल छप्पर फाड़ के दिया है। किसानों के घर में रखने की जगह नहीं, इतना माल पैदा हुआ है। तो आखिर वो माल ज़्यादा होने के कारण लगातार तोलने में और कुछ वेट जरूर किसानों को पड़ रहा है। मेरे ख्याल से एक दो दिन में सब समस्याएं हल हो जाएगी। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि करीबन 10 तारीख से यहाँ पर रोज चक्कर लगा रहे हैं तो भी उनका माल नहीं तुल पा रहा है, इस विषय में क्या कहें? नहीं, मैं ऐसी तो मेरी जानकारी में नहीं, मैंने इसलिए अभी आपके सामने सभी से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से जो किसान आके पड़ा हुआ है और उसके बाद वाले का माल तुल गया, ऐसा हो तो बताएं। तो इसलिए मैंने जानकारी ली, ऐसा कहीं शिकायत नहीं है। परंतु चूँकि माल ज़्यादा आने के कारण फिर तोलने की भी एक कैपेसिटी रहती है। कितने कांटे लगा रखे हैं यहाँ पे? 12 कांटे चल रहे हैं, फिर माल भराने में करने में इसलिए टाइम लग रहा होगा। इसका किसी और समस्या है सोसाइटी पे? 3-3 दिन से यहाँ ट्रैक्टर लगे हुए हैं, किसानों के साथ तुलाई नहीं हो पा रही, क्या व्यवस्था है, क्या कारण रहा है? थोड़ी सी पहले समस्या आई थी, बारदान का इशू हो रहा था, बारदान समय पे नहीं आ पाए थे, इस वजह से तुलाई बीच में बाधित हुई है। हम मानते हैं कुछ समस्याएं रही हैं, उनको ठीक करने का प्रयास जारी है, शाम तक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। कुछ किसानों का कहना है कि बारदान पर्याप्त तो मात्रा में, उसके बाद भी सरसों किसानों की अभी तक तुलाई नहीं हुई। इसमें बारदान का ये रहता है, अब चूंकि अगर गेहूं का बारदान है तो किसानों को लग रहा होगा कि वो चीज़ है, ये बिल्कुल फिक्स्ड आते हैं और उन बारदानों को उन्हीं चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। तो हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ हो गेहूँ के बारदान या अन्य किसी चीज़ के बारदान देख के कि बारदान पर्याप्त है। तो सर, किसानों की जो समस्या बारदान को लेकर, ये कब तक सॉल्व की जाएगी? आज शाम तक प्रयास चल रहे हैं, बराबर उसी में लगे हुए हैं, शाम तक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। नंबर साहब आपका? रामदयाल। रामदयाल जी, की क्या फसल लेके आए थे आप यहाँ? गेहूँ लेके आया था। कितनी तारीख को आए थे? 14 तारीख शाम को आ गया था। और अभी तक आपकी क्या फसल तुल पाई? बस अभी तुले मेरे गेहूँ तुले, लेकिन फिर वो बिल भरने के लिए मैं लेके आया यहाँ पे तो बिल नहीं बना। बिल में ये बताया कंप्यूटर ने कि भाई आप 48 घंटे के पहले का जो अगर मैसेज है उसका बिल नहीं बनेगा। इस विषय में आपने प्रशासन अधिकारी से बात की अभी? अभी मैंने विधायक जी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है। फिर अभी तहसीलदार साहब से भी बात की, उन्होंने कहा नहीं, कंप्यूटर मिस्टेक होगा, वो ठीक हो जाएगा, ये बताया उन्होंने, अभी आश्वासन दिया है। कैलाश चंद पाटीदार। कैलाश जी, बताया कितने समय से आप यहाँ रुके हुए? मैं 10 तारीख से सरसों का मेरा मैसेज आ गया था, 3 बार यह ट्रैक्टर ला चुका हूँ, अभी तक मेरी सरसों नहीं तुलाई गई। 3 दिन से आप यहाँ लगातार रुके हो, तो 3 दिन तक आपका टोल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या तोल रहे हैं सोसाइटी वाले? बस ये गेहूँ और चने तोलते हैं,
और ट्रैक्टर की लाइन पड़ी है 100-150 ट्रैक्टर इधर पड़े 100-150 इधर पड़े। आपने कभी इस विषय में प्रशासन अधिकारी को बताया कि 3 दिन से हम यहाँ पड़े हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही? बताया तो वो यही बोलते हैं कि